आपके कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पे कार्यक्रम को रखा हुआ है, इसलिए आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं को और अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत जो मुझे बधाई देने का कार्यक्रम रखा है, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है, उसमें यही आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी हमको कार्यकर्ताओं का प्यार आशीर्वाद की तरह मिलता है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो राम मंदिर को लेकर के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और काफ़ी समय से देखा जाए, जब ईश्वर को रहने के लिए न्यायालय का अगर सहारा लेना पड़े तो आम जनमानस का क्या होगा, और उस मामले पे उच्चतम न्यायालय बहुत जल्द निर्णय देने वाला है, इसको लेकर के आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का फैसला बहुत जल्द आने वाला है, तो मैं तो अपनी सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसले का सम्मान करेंगे और बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण को बनाए रखना है। जो फैसला है मेरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग क्षेत्रवासी सभी लोग शांतिपूर्वक उस फैसले को सुनेंगे भी, उस फैसले पर इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या कोई तारीख सुनिश्चित हुई है कब फैसला आएगा? अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 तारीख को रिटायरमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो हमें लगता है कि उससे पहले फैसला आ जाएगा, एक सप्ताह के अंदर फैसला आ जाएगा, ऐसे हम सभी लोग उम्मीद करते हैं, और जो फैसला आएगा उसका हम सभी लोग सम्मान करेंगे और उसको मानने का। क्या आपको लगता है कि इस निर्णय पे देश में सहानुभूति सद्भावना बरकरार रहेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपम सब भाई भाई, क्या ये सब रह पाएगा फैसला आने के बाद? हमें तो लगता है कि सारा हर समुदाय का व्यक्ति चाहता है कि रामलला का वहाँ मंदिर बने, और चूंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 100 करोड़ लोग हिंदू धर्म के पाए जाते हैं, तो ऐसे व्यवस्था में 100 करोड़ जो जनता है उसके साथ हमें लगता है कि जो 30 करोड़ शेष बस्ती है वो भी जनता हमारे साथ है और सभी चाहते हैं कि वहाँ रामलला का मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद।